बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्या हद तक डिस्कस कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर एंड फिनोल, ये हो चुका है बेटा। यस सर, डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। माइक नोट कर लो बेटा। सर आप आज कोई तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताएंगे। क्या बेटा? कल वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन कोई जो छूट गए थे बताने वाले थे। ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन छूट गया था, याद ही नहीं आ रहा बेटा कल क्या बताने वाला था। एरोमेटिक की तरह याद आ जाएगा। एरोमेटिक में हो गया था ना फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, ये हो गया था ना। हाँ सर। सर आपने ग्रुप में मैसेज नहीं भेजा। हाँ याद आ गया। क्या बेटा? ग्रुप में मैसेज नहीं भेजा आपने। देखते हैं बेटा, भेज तो दिया था हमको, ऐसा लग रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में फर्स्ट है बेटा ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो जब रीजन बता रहे थे तो बता रहे थे बेटा किस टाइप के अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। सर थोड़ी सी बड़ी राइटिंग निकालो ना। ठीक है बेटा, इतना भी छोटा थोड़ी, रोज इतनी राइटिंग में लिखते हैं बेटा। इतना भी छोटा राइटिंग थोड़ी है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, तो एल्कोहल का प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से टू डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, बता सकते हो बेटा? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हुआ तो कुछ अलग प्रोडक्ट देगा, वीक ऑक्सीडाइजर हुआ तो कुछ अलग देगा। डब्ल्यू मतलब वीक ऑक्सीडाइजर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, और डब्ल्यू ओ का मतलब क्या है बेटा? वीक ऑक्सीडाइजर। सेकेंडरी एल्कोहल चाहे ऑक्सीडाइजर स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है बेटा। टर्शियरी अल्कोहल में भी चाहे स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले में क्या बनता है बेटा, अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजर हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, वेरी गुड। वीक हुआ तो एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है बेटा? कीटोन, कीटोन। हाँ बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाएगा बेटा? कीटोन। टर्शियरी एल्कोहल नो रिएक्शन। रिएजेंट पे करवाए बच्चा ये सब हमने, तो रिएक्शन देखो बेटा। CH3CH2OH KMnO4 एसिड PCC ये प्राइमरी अल्कोहल बेटा, एसीटोन ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल नहीं ब्यूटाइल अल्कोहल, कोई सा भी ले लो बेटा। तो बताओ फर्स्ट वाले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा जी, बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज जाएगा, बनेगा COOH, यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा बेटा? एल्डिहाइड। इस जगह पे ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा बेटा?
कीटोन, और इस जगह पे टर्सी अल्कोहल है तो नो रिएक्शन। पहले बता चुके हैं बच्चा लोग कि प्राइमरी अल्कोहल है ये, हमारा कौन सा टाइप का अल्कोहल है, सेकेंडरी, और ये हमारा है टर्सरी अल्कोहल। ठीक है बच्चा लोग, ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इन फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अगर मिथाइल अल्कोहल हुआ बेटा, इसको नोट करके स्पेशली नोट करते हैं, 0 डिग्री अल्कोहल हुआ CH3OH मिथाइल अल्कोहल, तो जब केमिनोफोर से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा बेटा, ये केमिनोफोर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये केमिनोफोर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा, तो बस कुछ देर के लिए तुरंत ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें बन जाएगा बेटा, चेंज CO2 और H2O में, तो फाइनल प्रोडक्ट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हुआ। अगर यहाँ पे PCC लेते हो तब क्या बनेगा बेटा, एसिटोल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा। तो एक कार्बन का अगर एसिड होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है तो तुरंत CO2 और H2O में हो जाएगा चेंज। तो सेकेंड था ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, थर्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेटा कल के टेस्ट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, है ना, बहुत से मतलब पूरा 25 तो नहीं होगा ना। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हेलोफॉर्म में क्या रिएक्शन होता है बेटा, अगर एल्कोहल हुआ तो 3 times बीटा हाइड्रोजन, 3 बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कोहल किससे रिएक्ट करते हैं बेटा, 3 बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कोहल, कंटेनिंग एल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ डाई हैलोजन इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करता है बेटा, CHX3 हेलो फॉर्म एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा। फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म में बताया था कि नहीं बताया था बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कल इससे क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। तो क्या होता बेटा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ले लूं CH3CH2OH, रिएक्शन किससे, डाई हेलोजन मतलब H2 किसके प्रेजेंस में, NOH, तो पहले ऑक्सीडाइज होगा ये एल्कोहल और क्या बनाएगा बेटा, एल्डिहाइड। तो जो पहले बीटा हाइड्रोजन था, अब वो 3 times क्या हो गया बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद अगेन H2 लोगे और NOH बेस, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोजन इससे, फिर से बेस लोगे तो क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट, CHX3 सॉल्ट, इसका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का ये मिलेगा, ठीक है ना बच्चा लोग। इफ एक्स इक्वल टू आयोडीन, एक्स इक्वल टू आयोडीन, CHX3 इक्वल टू क्या होगा बेटा, CHI3, तो इसका कलर कैसा होता है बेटा, इस रिएक्शन में टर्म्स यूज होगा येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है बेटा। विच हैलाइड डस नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, F2 डस नॉट गिव, बता चुका ना बेटा ये सब,
हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म बनता है, ब्रोमोफॉर्म बनता है, हाइड्रोफॉर्म नहीं बनता, ठीक है ना बेटा। तो फ्लोरीन है जो F2 है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ब्रेक नहीं होता यहाँ पे। तो डाइफ्लोरीन मतलब F2 हेलोफॉर्म रिएक्शन कभी नहीं देगा, मतलब क्या नहीं बन सकता बेटा, इन हेलोफॉर्म रिएक्शन, इन हेलोफॉर्म रिएक्शन CHF3 does not form. नोट कर लो बेटा, तो ये था हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो कर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ठीक है ना। सर डन, नोट करिए। तो हेलो एल्केन्स, हेलो रिंस में हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन नहीं नोट करे थे बेटा। तो कुछ रिएक्शंस है क्लोरोफॉर्म के जो इम्पोर्टेंट है, वो कल के टेस्ट में दे भी चुके हैं, तो बता देते बेटा, चार पांच रिएक्शन बताएंगे, उनमें से एक रिएक्शन आने वाले। केमिकल प्रॉपर्टीज of CHCl3. Chemical properties of CHCl3. Reaction with oxygen. Board के लिए important question है बेटा। Second. ज्यादा रिएक्शन तो हुआ है, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर क्या बनता है बेटा, रिएक्शन विद HNO3। रिएक्शन with acetone oxygen acetone chloroform chloride। तो क्या होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाईली रिएक्टिव होता है बेटा ऑक्सीजन के रिसेप्टर में, जैसे ही सनलाइट मिला और ऑक्सीजन मिला तो तुरंत रिएक्ट करके एक पॉइजनस गैस बनता है COCl2। क्या नेम होगा बेटा इसका मालूम है, फॉस्चीन, फॉस्चीन, ठीक है, और साथ में HCl बाहर। तो सनलाइट के प्रेजेंस में
क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, फॉस्फीन, ठीक है ना बेटा। एक फॉस्फीन होता है वो PH3 होता है, देखना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एक होता है फॉस्फीन PH3, फॉस्जीन है GENE, तो वो होगा बेटा क्लोरोफॉर्म से COCl2। तो बेटा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका यूज किस में करते हैं बेटा, मेडिकल सेक्टर में यूज होता है ना बेटा। किस चीज के लिए होता है बेटा बताओ, बेहोश करने के लिए। हाँ बोलते हैं ना एनेस्थेटिक में के फॉर्म में यूज करते हैं बेटा। अब देखो बेहोश कर रहे हैं वहां पे सनलाइट है एकदम ज्यादा तेज, ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है वहां पे अमाउंट में है, तो क्या होगा बेटा कौन सा गैस बन जाएगा, फॉस्जिन। और फॉस्जिन से क्या होगा बेटा, बेहोश करते करते वो परमानेंट बेहोश हो जाएगा, पॉइजनस गैस है बेटा, ठीक है ना बेटा। इसको इनहेल करते ही सीधा वीजा का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, भगवान के पास सीधा डायरेक्ट टिकट लग जाता है, समझ में आया बेटा। तो क्लोरोफॉर्म को सर, क्लोरोफॉर्म को क्या नाम है, सनलाइट के कांटेक्ट में लाते तो आदमी की डेथ हो जाती। नहीं तब होगा जब आदमी ये क्लोरोफॉर्म के से ऑक्सीजन का रिएक्ट होके ये गैस बनेगा, इसको इनहेल करेगा तब, ठीक है ना बेटा। तो क्लियर है, तो ज्यादा क्लोरोफॉर्म लेना भी, ज्यादा क्लोरोफॉर्म दे देगा तो आदमी हमेशा के लिए बेहोश हो जाता है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, ठीक है बच्चा लोग। मतलब वो क्लोरोफॉर्म को ऊपर, क्या मतलब ऊपर एयर में, जो भी आप समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्या बना लेगा गैस, फॉस्जिन, जो पॉइजनस गैस है। हाँ बेटा बोलो जल्दी। सर वो तो आता ही होगा ना कभी ना कभी, मैंने ऐसे भी किसी के ने बॉटल में लेके गया तो सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही होगा। बता रहे बता रहे बता रहे वहीं पे आ रहे थे। तो बेटा एक बोर्ड का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, हम लोग के समय तो आता था कि क्लोरोफॉर्म को ब्लैक बोतल में रखा जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है। एक ब्लैक बोतल होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल रूम में अगर क्लोरोफॉर्म होगा फिर तो उसको ब्लैक बोतल के अंदर अब पूरा भर के रखते हैं, ब्लैक बोतल होगा उसके अंदर पूरा यहाँ तक फिल करके रखेंगे क्लोरोफॉर्म, और डार्क रूम में स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा स्टेटमेंट पूछता है, व्हाई क्लोरोफॉर्म स्टोर इन डार्क रूम एंड इन ब्लैक बोतल, ताकि उस तक सनलाइट ना पहुंचे बेटा। तो ब्लैक बोतल होगा, डार्क रूम होगा, ब्लैक बोतल होगा तो वहां पे क्या नहीं मिलेगा बेटा, सनलाइट, और पूरा फुल करके भरा जाता है। क्यों, अगर आधा भरेंगे तो क्या होगा बेटा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन, हाँ मतलब एयर आ जाए, और एयर आ जाएगा तो जैसे हल्का सा भी सनलाइट पड़ेगा कॉन्टेक्ट में आएगा सनलाइट के, तुरंत किस में चल जाएगा बेटा, फॉस्जिन। तो याद रखना क्लोरोफॉर्म को जब भी स्टोर किया जाता है वो ब्लैक बोतल में स्टोर करते हैं, ठीक है ना बेटा, ताकि सनलाइट का इफेक्ट ना रहे। अब बात आता है बेटा यहाँ पे, तो ये याद रखना बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वाला रिएक्शन तो हो चुका था बेटा, क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर पाउडर के साथ हिट करते हैं तो कौन सा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है बेटा, एल्काइन एसिटिलीन, ठीक है ना बेटा, साथ में 6 टाइम्स AgCl। जब क्लोरोफॉर्म को HNO3, ये होता है बेटा इस टाइप का, HNO3 के साथ हीट किया जाएगा तो कंडेंस होके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर क्या मिलेगा बेटा, CNO2, क्लोरीटोन, क्या बोलते हैं इसे बेटा, क्लोरीटोन नहीं, क्लोरीटोन नहीं है, क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं इसे, ठीक है ना बेटा, टीआर गैस, कौन सा गैस बोलते हैं बेटा, टीआर गैस इसका निकनेम है। तो याद रखना इस चीज को बेटा, क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन के साथ
हिट करेंगे तब एसीटोन का फॉर्मूला क्या है बेटा, सी ओ सी एस थ्री, तब यहाँ पे बनते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरीटो, ये क्लोरोपिक्रीन, सी एच सी एल सी एल मतलब सी सी एल थ्री, सी सी एल थ्री सी यहाँ पे बनता बेटा है क्लोरीडो, नोट कर लो बच्चा लो, एक क्लोरोफॉर्म के कुछ रिएक्शंस हैं याद रखना बेटा। सर हाँ बेटा, सर जो क्लोरोफॉर्म है और वो एनेस्थेशिया जो रहता है वो डिफरेंट, दो डिफरेंट चीज है क्या? नहीं नहीं वही तो है एनेस्थिया के लिए, मतलब एनेस्थेटिक वही तो बोल रहे थे ना हम, वही तो है क्लोरोफॉर्म, क्लोरो ठीक है बच्चा लोग। सर वो टीयर गैस लिखा है क्या? हाँ बेटा टीयर गैस, टीयर गैस किस काम में आती है? टीयर गैस किस काम में आता है ये भी कोई क्वेश्चन रहा बेटा? नाम ही है टीयर गैस, रुलाने के लिए काम आता है बेटा। जरा नोट कर लेना इसे डाला बेटा, जब अभी हाल फिलहाल में ही अरे बस उस जला रहे तो कौन सा है, हाँ एनआरस, कौन सा एनआरसी वाला क्या चीज बोलते हैं, दंगा हुआ नहीं था बेटा दिल्ली साइड यूपी में कुछ जगह पे, तो वहां पे अभी हाल फिलहाल में तो हाल फिलहाल नहीं बहुत दिन हो गया, तो क्या हुआ था बेटा वहां पे टीयर गैस फेंका गया था ना ताकि भाग जाए लोग वहां से, रोते रहे लड़ाई झगड़ा भूल जाए। यस सर, नाम ही उसका बेटा टीयर गैस, आंसू गैस बोलते हैं हिंदी में। सर वो क्लोरोपिक्रीन है क्या? हाँ बेटा क्लोरोपिक्रीन, याद रखना जैसे NO2 वाले को क्या बोलते थे बेटा, पिक्रिक एसिड, याद आ रहा है? NO2 वाले को क्या बोलते थे यहाँ पे, पिक्रिक एसिड, यहाँ पे NO2 क्लोरीन के साथ है तो पिक्रिक ना बोल के पिक्रीन, ठीक है ना, याद रहेगा दोनों? एल्कोहल पे NO2 है तो वो पिक्रिक है और यहाँ पे पिक्रीन है, ठीक है बेटा। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन पूछता बेटा, क्लोरोफॉर्म फॉजिन में कन्वर्ट ना हो तो उसके लिए क्या इसमें ऐड किया जाता है? टेक्स्ट बुक रीड किया कभी? क्लोरोफॉर्म फॉजिन में कन्वर्ट ना हो इसलिए उसमें क्या मिला देते हैं बेटा? केरोसिन? नहीं भाई केरोसिन कहाँ मिलाएंगे, और कुछ? सर एंटीऑक्सीडेंट कोई? वेरी गुड, ये स्मार्ट आंसर था बट कौन सा? यहाँ पे नोट करके इधर नोट लेते हैं, क्लोरोफॉर्म इथेनॉल C2H5 उसका परसेंट 0 to 0.5 to 1% इथेनॉल used as a antioxidant
reagent for chloroform. ठीक है ना बेटा, because it remove, ये क्या करता है बेटा, remove extra amount of poison gas. तो poison gas का formula क्या बेटा, यही ना poison gas. इथेनॉल का formula क्या है, C2H5OH. तो बेटा यहाँ पे निक्लोफाइल कौन है, भाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन का निक्लोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे अटैक किया, ये लिविंग ग्रुप है बेटा, क्या हो जाएगा बाहर, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये लिविंग ग्रुप बाहर, आरएमजीएस टाइप का रिएक्शन होगा, क्या मिलेगा बेटा, ओ C2H5. ठीक है, सेम यहां से भी वही रिएक्शन, इस पे अटैक करेगा और ये Cl क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, क्या मिलेगा बेटा, ओ C2H5. यहाँ का, यहाँ से एक H, यहाँ का H, क्या बना लेगा बेटा, तो क्लोरोफॉर्म को फॉसिन में कन्वर्ट होने से बचाएगा और साथ में क्या करेगा बेटा, थोड़ा सा भी जो एक्सेस अमाउंट है इसका पॉजिन का, उसको तुरंत हटा देगा किसमें बेटा, डाई मेथाइल कार्बोनेट कंपाउंड बोलते हैं इसे, नोट कर लो बेटा, तो ये कुछ प्रॉपर्ट के CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है बेटा, याद रखना, और एक तो पता ही है कार्बिलेबिन रिएक्शन, रायमाटिमन रिएक्शन, ये तो बता ही दिए थे ना बेटा, बताए थे कि नहीं बताए थे बच्चा लोग, अच्छा एक बच गया है फिफ्थ, क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन विद एक्वस KOH NOH एक्वस बेस हाइड्रोक्साइड बेस, तो बेटा Cl ये ग्रुप बाहर होगा कि नहीं होगा बेटा, यही रिएक्शन कितने टाइम्स होगा बच्चा लोग, मतलब बोल सकते हैं यहाँ का K और यहाँ का Cl क्या बना लिया बेटा, KCl, यहाँ का K यहाँ का Cl क्या बना लिया बेटा, KCl, तो क्या मिलेगा बेटा, OH 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 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, क्लियर है यहाँ तक, 3 times KCl बाहर, OH अटैक किया, Cl बाहर, RMGX टाइप का ही है ना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, के और यहाँ का सी एल के सी एल के सी एल के सी एल, ये बाहर हो गया 3 times. अब बताओ एक कार्बन पे 3 times कौन सा ग्रुप है बेटा, एक कार्बन पे 3 times OH ग्रुप रह सकता है, नो सर, तो तुरंत वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये वाटर बन के बाहर, हाईली अनस्टेबल है, तुरंत यहाँ का OH ऐसे रहने देते बेटा, यहाँ का OH और H वाटर बन के बाहर, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, KOH है तो यहाँ पे ये बेस है तो हाइड्रोजन निकाल सकता है बेटा, तो क्या होगा बेटा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिखा होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा, ठीक है ना बेटा, मीडियम में KOH है तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्लियर है बेटा, जब क्लोरोफॉर्म को इस तरह से रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना इस बात को। इनमें से कितने रिएक्शन है, टोटल फाइव, फाइव में से कुछ रिएक्शन कल आने वाले टेस्ट, ठीक है बेटा। तो नोट किया, जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म बता देना चाहिए, हेलो एल्केन्स में लेकिन छूट गया था, तो इस चैप्टर में करवा लेते हैं बेटा। क्लोरोफॉर्म तो बना ही यहाँ पे, ऑर्गेनिक का हर चैप्टर तो कनेक्टेड है ही, तो ये वाला याद रखना बेटा। नोट कर लिया बेटा, तो इथेनॉल मिलाया जाता है ताकि क्लोरोफॉर्म किसमें कन्वर्ट ना हो सके बच्चा लोग, या हो भी जाए तो वहां से फॉसिन को मिला लेंगे, हटा लेंगे, हम हटाने का काम करेगा इथाइल एल्कोहल इथेनॉल। छापो जल्दी से बच्चा लोग। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हो गया है, और सेकेंड कौन सा रिएक्शन हो चुका है बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कर रहे थे, एलोफॉर्म रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन करते हैं बेटा, एल्कोहल है, एल्कोहल को हैलाइड में चेंज कर सकते हैं ना बेटा, एल्कोहल को हैलाइड में चेंज कर सकते हैं ना बेटा। रब कर दो बच्चा लोग। यस सर। एल्कोहल को OH ग्रुप को X में कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, थर्ड कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ OH into halide. So the first reaction with PCl3. Reaction with PCl5. Reaction with SOCl2. इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बेटा, PCl5 वाला, PCl3, PCl5, PCl3 प्रोसेस। और थर्ड वाले को डार्जन, इसको क्या बोलते हैं, डार्जन। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल RCH ऐसा ले लेता हूँ ना बेटा, PCl3 आर PCl5 क्या बनता है बेटा, यहाँ पे RCl, यहाँ पे बनेगा RCl। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे H3PO3 यही मिलता है ना बेटा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट H3PO3, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है बताओ, दोबारा टेक करेगा POCl3
और क्या मिलता है साथ में बेटा? साथ में और क्या मिलता है बेटा? याद रखना इसमें साइड प्रोडक्ट पूछता है, बताया था, बोलो जल्दी। HCl साइड मिलता है, मिलता है कि नहीं बेटा? यहाँ पे सिंपल से ये थ्री टाइम्स H कितना हो गया 3, फॉस्फोरस हो गया 1 और ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 3। ये तो बैलेंस बस इतने ही मिलते हैं, यहाँ पे मिलता है HCl साथ में। क्या मिलता है बेटा यहाँ पे? HCl होगा क्या? ROH। देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है, इसको हटा देता मैं, ROH ले रहा हूँ। तो PCl5 में मालूम है बेटा कौन से दो बॉन्ड वीक होते हैं? PCl5 में दो बॉन्ड कौन से वीक होते हैं बेटा? केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो ना, ये स्ट्रक्चर है PCl5 का, इसमें से दो बॉन्ड कौन से वीक हैं? बोलो बेटा। केमिस्ट्री के लिए सब चीजें एकदम दिमाग में बैठी रहनी चाहिए बेटा, उसी के हिसाब से रिएक्शन होता है। कौन से दो बॉन्ड वीक हैं बेटा? एक्सियल वाले, लेंथ बड़ा होता है तो यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड बाहर, फिर से एक और ROH अटैक करेगा ये बाहर, तो क्या मिलेगा बेटा? ये Cl बनके दो Cl बाहर है, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे क्या आ जाता है? O R और यहाँ का H, दोनों H मिलके क्या बना लेंगे? HCl। ये मिला बेटा। अब देखो यहाँ पे ये मिला कि नहीं मिला बेटा? यहाँ पे ये OR, स्टेप वाइज पूरा कर लेता हूँ। एल्कोहल में OH ग्रुप है, इसका मैकेनिज्म बता रहा बेटा, ठीक है ना? Cl ये यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, ये Cl बाहर, क्या मिलेगा बेटा? Cl ओ आर। एच है बेटा, लोन पेयर से अटैक किया है ना, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बेटा? इसको हटाने के लिए हाइड्रोजन को बाहर कर देता है, सेम यहीं पे प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा ओ आर। क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब यहाँ पे कौन बाहर था बेटा? Cl माइनस आयन बाहर था कि नहीं बाहर था? Cl आयन क्या था यहाँ से? बाहर था। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे Cl इससे अटैक करके इसको बाहर निकाल लेगा एल्काइल हैलाइड, अगला Cl भी इसका रिएक्ट करके इसको बाहर निकाल लेगा एल्का हैलाइड, ठीक है बच्चा लोग? अब होगा क्या, देखो इसको मैकेनिज्म के थ्रू बताते हैं। अगला Cl आयन जो बाहर था, ये यहाँ पे गया बेटा, अटैक किया, ये बोन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डबल बोन, ठीक है ना बेटा? POCl3 और ये यहाँ से इस तरह से बाहर, तो क्या मिलेगा बेटा? P डबल बोन O Cl Cl, यही मिला बेटा, और O R ऐसा था। इस तरह से प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे एल्काइलाइट बना कि नहीं बना बेटा? किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा यहाँ पे? एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। तो बताओ यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन होकर पूरा प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या क्या बनेगा बेटा, और एक Cl बाहर है तो उसके साथ H, HCl बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बैलेंस करो बेटा रिएक्शन, बताओ जल्दी क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बैलेंस है बेटा, देख लो। तो याद रहेगा बच्चा लो, यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करता है इसलिए POCl3 बनता है। तो याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका एग्जाम में, उस दिन बताया था, तो आज भी याद रखोगे। बैलेंस हो चुका है ना बेटा रिएक्शन? अब यहाँ बताओ बच्चा लो, सेकेंड में रिएक्शन विथ SOCl2, इसमें क्या बनता है साइड प्रोडक्ट?
थायोनिल क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड बोलते हैं बेटा इसे, थायोनिल क्लोराइड, और क्या बनता है साइड प्रोडक्ट बताओ, साइड प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा यहाँ पे, आर सी एच टू, ये चेंज होगा सी एल, बताओ साइड प्रोडक्ट क्या होगा, सेम इस टाइप का भी रिएक्शन यहीं पे होता है बेटा, ऑक्सीजन है सी एल है, ये इस पे अटैक किया ये ग्रुप बाहर, इसी टाइप का रिएक्शन होता है यहाँ पे, तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ जल्दी बच्चा लो, यहाँ से एक सी एल आ गया, यहाँ का एक एस सी एल बाहर, और साथ में क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीजन अटैक कर रहा है एसओ पे, तो एक ऑक्सीजन पहले से ही है, दूसरा ऑक्सीजन भी आ जाएगा, तो ट्रिक बोल सकते हो ऐसे करके सी एल एस सी एल ओ, यहाँ का एस सी एल का उनके बाहर हो गया, यहाँ को ओ और यहाँ पे इस तरह से एस ओ सी एस ओ टू, यहाँ का सी एल इसके साथ एड हो गया, ऐसा बना सकते हो बेटा ट्रिक, लेकिन ट्रिक तभी याद रहेगा जब मैकेनिज्म याद रहेगा, तो हमेशा क्या याद रहेगा बेटा, तो याद रखना है ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए रिपीट कर यहाँ डिटेल में बताया हूँ, तो पी सी एल फाइव पी सी एल थ्री ग्रोथ प्रोसेस है जिसके थ्रू एल्काहलाइड बनता है, डार्जन रिएक्शन है इसमें भी क्या बनेगा बेटा एल्काहलाइड, और भी बाकी सब उनको नहीं हट करता, एक फोर्थ है ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ये बताता बेटा कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शरी है, तो यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज होता है बेटा, कई बार तो रिएजेंट ही पूछ लेता है, याद है रिएजेंट, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस, और भी है साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डिवाइड, एक्चुअली डिवाइड बाय बोल रहा हूँ, साथ में क्या है बेटा विद डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बनता है यहाँ पे क्लोरीन लिया तो क्लोराइड, याद आया ये सब रिएक्शन बेटा, कल के एग्जाम में ये सब रिएक्शन आ गया तो, तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, सॉरी मिल तो गया है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है या छोड़ो नोट को अलग से बताएंगे, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोहल, तो कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ ओएच इनटू एक्स, समझ में आया बेटा, एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो बाबा बोल रहे थे छूट गया था एल्कोहल में, लेकिन यहीं पे कर लेते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन नॉल में भी होता रिएक्शन करवाए भी है बेटा, प्राइज रिएक्शन में एस्टा बनाया है, तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा एल्कोहल नेम रिएक्शन में आज नोट कर लेना बेटा, एल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस in the presence of acid and form fruity smell of ester. तो बेटा ये ester के identification के लिए test करवाया जाता है, जब chemistry का experiment करवाया जाएगा ना बेटा function of detection में, तो स्कूलों में तो वहां पे ये वाला test करवाया जाता है, alcohol में acid डालो या acid में alcohol, उस समय क्या होता है बेटा एस्टर का फॉर्म होगा, और ये फ्रूटी स्मेल बोलते हैं, होता तो है नहीं फ्रूटी स्मेल, हमको जो स्मेल फील हुआ हमको जैसा लगा, जैसा जो सड़ा हुआ केला होता है बेटा खाओगे तो उसका जो हल्का सा स्मेल आता है, या सड़ा वाला केला का जब छीलोगे जो दब नहीं किया रहता बेटा काला टाइप का हो जाता है, तो उसका जो स्मेल आता है ऑलमोस्ट मुझे उसी टाइप का स्मेल लगता है वो, तो सड़े हुए केला टाइप का स्मेल दिखेगा, दिखेगा नहीं मतलब फील होगा, तो वहां पे उसको बोलते हैं फ्रूटी स्मेल, ठीक है ना बेटा, रिएक्शन कैसा है बेटा आरएमजीएक्स टाइप का ही रिएक्शन है, देखो आरएमजीएक्स कैसे रिएक्ट करता है बेटा एस्टर के साथ, ये अल्कोहल है, एस्टर में कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है बेटा सी ओ आर, ये लिविंग ग्रुप है ना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, आरएमजीएक्स टाइप का ही रिएक्शन है बेटा यहाँ पे, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा दोनों डायरेक्शन में जाता है, तो क्या होगा बताओ,
ये निक्लोफाइल है, इस कार्बन पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और ये ग्रुप बाहर। ऐसे ही होता है ना बेटा आरएमजीएस का रिएक्शन, क्या मिलेगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, और यहाँ का एच और ओ, यहाँ पे मीडियम में एसिड है ना, तो ये क्या होगा बेटा ओ आर आर डेस ओ एच प्लस मिल जाएगा। सर क्लियर है बेटा? हाँ बेटा। सर वो फॉर्म्ड के बाद क्या लिखा है? फ्रूटी स्मेल। सर वहाँ पे ओएच बना था ना, ओआर की जगह, ओ आर की जगह पे रिएक्टेंट में पे बेटा। अच्छा हाँ सॉरी, एस्टर के साथ ऐसे कर रहे हैं, एस्टर तो बना रहे हैं यहाँ पे एच, ठीक है ना, तो इस तरह से रिएक्शन होगा। बस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये ग्रुप बाहर। होता है क्या है बेटा, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, ये H3O+ इसका प्रोटोनेशन कराएगा, ये वाटर बन के बाहर, यहाँ पे प्रोडक्ट H2O ना। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये निक्लोफाइल है, यहाँ अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अगेन डबल बॉन्ड और OH बाहर, तो इस तरह से ये बनता है एस्टर, और एस्टर का स्मेल सड़े हुए केले वाला। तो जब भी क्वेश्चन में एसिड और एल्कोहल मिला रहा है और लिख रहा है फ्रूटी स्मेल, तो क्या समझोगे बेटा, किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? एस्टर। नोट कर लो फिर। तो जब भी क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में ऐसा बोलता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया जा रहा है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर। वहां वो बोलेगा फ्रूटी स्मेल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना बेटा, या कुछ स्मेल फॉर्म हो रहा है, तो भी समझ लेना भैया। तो इस तरह से ये भी चैप्टर होता है कंप्लीट, बस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को रिवाइज करना है बेटा, मतलब बताना है तो वो होमवर्क दे दिया जाएगा। इसी टाइप का और भी रिएक्शन है बेटा एस्टरीफिकेशन में, अदर एग्जांपल भी कर सकते हो। तो एल्कोहल मतलब एरोमेटिक एल्कोहल है बेटा, OH यहाँ पे AR या फिर ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा बेटा, और या फिर एसिड हैलाइड से। ये तो हो गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, फिडॉल में ये रिएक्शन छूट गया था, वही बताना था बेटा। ये तो यहाँ आ गया, इसका Cl के साथ रिएक्शन करा तो भी यही बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? AR होगा या फिर R होगा, CO, और क्या बनेगा बेटा, इसको R डेस कर लेता हूँ, R डेस ओ R डेस वैसे रहेगा, CO रहेगा, यहाँ पे आएगा O R या फिर AR, दोनों में से कोई एक हो। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। एक छोटा सा होमवर्क एस्प्रिन खोज लोगे तुम लोग, एस्प्रिन का फॉर्मेशन मेथड है बेटा इस चैप्टर में, एल्कोहल वाला जहां पे रिएक्शन कंप्लीट होगा। और सैलिसिलिक एसिड से बनता है इतना बता दे रहे बेटा, इससे बनता है वो सैलिसिलिक एसिड से, तो वो टेक्स्ट बुक से नोट कर लेना। कर लोगे इतना? सैलिसिलिक एसिड से बनता है बेटा एस्प्रिन।
सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा? ये है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो कैसा रिएक्शन होगा बेटा? कौन रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ? न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा यहाँ पे? सर ब्लर हो रहा है, दिख ही नहीं रहा था। होमवर्क कर लेना बेटा इसको, ठीक है ना? अदर एग्जांपल वाला ये होमवर्क कर लेना। सैलिसिलिक एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पे कंपाउंड, एसिड एनहाइड्राइड क्या नाम है इसका, CH3 किसका एनहाइड्राइड बना है वो एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सैलिसिलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता बनाता है एस्पिरिन, कर लेना ये रिएक्शन। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. तो बेस्ट ऑफ लक, और क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन है बेटा कल के एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक है। क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन अच्छे से कर लेना, आने वाला है, ठीक है ना बेटा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा लोग? हो जाएगा सर, पक्का आएगा एक दो रिएक्शन वहां से। तो बाय बच्चा लोग। कोई क्या बोल रहा था सर, ये चैप्टर एंड हो गया? हाँ बेटा खत्म हो गया बेटा। ऑर्गेनिक में बस टाइम लगता है रिएजेंट और जीओसी टू को एक्सप्लेन करने में, बस जो भी टाइम लगता है। जीओसी वन में भी लगता है, जीओसी वन टू में ही टाइम लगता है, बाकी तो कुछ नहीं है बेटा। रिएक्शन है याद रखना है आपको, और प्रोसेस कहाँ से है कुछ मैकेनिज्म बताया जाएगा, कुछ आपको याद रखना है और कुछ रिएजेंट के थ्रू है। तो क्लियर है बेटा? अब सब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन, उसको एक वीक पूरा का पूरा लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बाय बच्चा लोग सभी को। बाय सर। बाय बेटा।